हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक स्मोकी लुक करने वाले हैं जिसमें कि हम ग्लिटर्स यूज़ करेंगे एंड इसमें मैं सारी आपको प्रोडक्ट नॉलेज देने वाली हूँ। तो उस वीडियो के लिए आपको सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है एंड ऑलवेज सब्सक्राइब करते रहिए सो दैट आपको मेरी वीडियोज़ के अपडेट ऑलवेज आते रहेंगे। एंड जो ये वीडियो है बहुत ही डिटेल्ड मैं आपको बताने जा रही हूँ, सो लेट्स जंप टू द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हम यूज़ करने लगे हैं पेरिने का एक टोनिक मिस्ट। आप कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हो, जस्ट फेस को थोड़ा फ्रेशन अप करने के लिए हम टोनर यूज़ करते हैं। देन हमने थोड़ा सा आईब्रो से स्टार्ट किया है। सबसे पहले हम आईब्रोज ड्रॉ कर रहे हैं एंड हम एक पोमेड यूज़ कर रहे हैं जो कि एनेस्थाजिया की ब्रो जेल है। हमने हैंड को उस पर थोड़ा सा अप्लाई किया हुआ है एंड देन उसको हम ब्रश के साथ डायरेक्टली ब्रोज पर अप्लाई कर रहे हैं। एंड आप दोनों ब्रोज में डिफरेंस देख सकते हैं कि एक ब्रोज कितनी थिन लग रही है एंड सेकेंड ब्रोज कितनी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। देन सिमिलरली हम दूसरी ब्रोज भी बना रहे हैं एंड हमने एक लेंसेज यूज़ किए हुए हैं। ये ग्रे कलर के लेंसेज हैं, ओ लेंस ब्रांड है ये लेंसेज का। ओ लेंस के लेंसेज ऑलरेडी बहुत अच्छे लगते हैं, ऑलवेज आप इसके डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हो डिफरेंट लुक्स देने के लिए। तो राइट नाउ जो कलर है हमारी मॉडल का वो थोड़ा सा विटिश है एंड हमने ग्रे लेंसेज यूज़ किया है। देन उसके बाद हम नार्स का कंसीलर अप्लाई कर रहे हैं। ये लॉन्ग वेयर कंसीलर है जो कि आप किसी भी आईज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। नीचे ना थोड़ा सा डार्क शेड अप्लाई किया है एंड ऊपर थोड़ा सा हम लाइट शेड अप्लाई कर रहे हैं बिकॉज हमें नीचे थोड़ा डार्कर आई मेकअप करना है। अदरवाइज़ आप सिंगल कंसीलर भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी कंपल्सरी नहीं है कि आपको दो कंसीलर यूज़ करने हैं। फ्लैट ब्रश के साथ हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं। जो ब्रश है वो मेकअप बाय अनालिया का है। आप कोई भी रेंडमली कोई भी फ्लैट ब्रश यूज़ कर सकते हैं। देन हम ब्लेंडर के साथ थोड़ा सॉफ्टन कर रहे हैं आई बेस को, अच्छे से सॉफ्टन कर रहे हैं सो दैट मेकअप जो है वो बहुत सॉफ्ट निकल के आए। देन आईज़ आपने खुलवानी नहीं है क्लाइंट की, ऑलवेज़ बंद रखवानी है। देन हम एक फ्लैट ब्रश यूज़ कर रहे हैं जो कि प्रो आर्ट का ब्रश है एंड इंग्लॉट का जेल हम अच्छे से आईज़ पर स्प्रेड कर रहे हैं। अच्छे से हम उसको स्प्रेड कर रहे हैं। देन हमने मॉर्फी का एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लिया है एंड कॉर्नर्स जो हैं जो भी एरिया बाउंड्री है उसको हम ब्लेंड कर रहे हैं। देन सिमिलरली हम दूसरी आईज़ पे भी सेम कर रहे हैं। अगर आपको पहले नहीं समझ आया तो इसमें आप ध्यान से देखना कि हमने पहले अप्लाई किया देन हमने एक फ्लफी ब्रश के साथ हमने ब्लेंड किया, डी फॉर्म में हमने ब्लेंड किया है। देन हम मैट शेडो अप्लाई कर रहे हैं कोई भी स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश के साथ। जो ब्रश अभी हम यूज़ कर रहे हैं प्रो आर्ट का है एंड प्रो आर्ट का जो ब्रश नंबर है वो है AE25। बहुत ही अच्छा ब्रश है अगर आपको प्रिसाइज एरिया पे शेडो लगाना होता है। देन मॉर्फी की हम पैलेट यूज़ कर रहे हैं, इसका नेम है डेयर टू क्रिएट एंड बहुत ही लाइट शेडो ब्राउन सा हम यूज़ कर रहे हैं ट्रांजिशन पे। थोड़ा सा स्मूदन करने के लिए ब्लेंडिंग को हम सेम कलर रिपीटेडली यूज़ कर रहे हैं एंड स्मोकी आईज आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही हैं। आप इसको मैट भी छोड़ सकते हैं, मैट भी बहुत सुंदर लगते हैं। अदरवाइज़ आप इसको ग्लिटरी भी कर सकते हैं, शिमरी भी कर सकते हैं, वो हमारी चॉइस है या क्लाइंट की चॉइस है। नीचे थोड़ा सा ब्लैक लग गया था, दैट्स व्हाई हम उसको क्लीन कर रहे हैं। देन थोड़ा सा हमने फिक्सर के साथ हाई शेडो पिक किया है, कोई भी ब्रश आप ले सकते हैं। मैंने थोड़ा फ्लैट कम फ्लफी ब्रश लिया है। ये जो ब्रश है ये मेकअप बाय अनालिया का ब्रश सेट है। देन इसको हम आईज़ पे अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी शिमरी शेडो अप्लाई कर सकते हो। हमने थोड़ा सा मेटालिक शेड लिया है एंड वो अप्लाई कर रहे हैं। इसके ऊपर हम ग्लिटर भी लगाएंगे बट ग्लिटर ज़रूरी नहीं है कि लगानी ही लगानी है, ये हमारी चॉइस है एंड हमने लिट की ही ग्लिटर ग्लू एंड ग्लिटर चूज़ की है अप्लाई करने के लिए। एंड जो शेड हम अप्लाई कर रहे हैं वो है जॉय शेड हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं। जॉय शेड एक वेरी लाइट सा पिंक शेड है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा वेरी लाइट पिंक इज रिफ्लेक्टिंग ऑन द आई, तो वो हमने थोड़ा सा अप्लाई किया है। अदरवाइज़ आप इसको अवॉइड भी कर सकते थे, आप डायरेक्टली शिमरी शेडो के साथ भी जा सकते हैं। एंड राइट नाउ वी आर यूजिंग अ लिक्विड लाइनर, कोई भी लिक्विड लाइनर आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जेल लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं, बट राइट नाउ आई एम यूजिंग अ लिक्विड लाइनर। देन ब्रोज को हाईलाइट करने के लिए हमने शेडो पैलेट में से बहुत लाइट सा शिमरी शेडो उठाया है एंड इसको फिंगर के साथ ही हमने ब्लेंड कर दिया। आफ्टर दैट हम फेस थोड़ा क्लीन कर रहे हैं सो दैट जो ग्लिटर है वो वाइप ऑफ हो जाए। आईज़ ऑलरेडी बहुत प्रीटी लगनी स्टार्ट हो गई हैं। ऐसे ही आप कोई भी आई मेकअप कर सकते हैं, कोई भी कलर आप अप्लाई कर सकते हैं ब्लैक शेडो पे। देन हम प्राइमर से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले हमने टोन कर दिया था देन हम प्राइमर अप्लाई कर रहे हैं। प्राइमर जो अप्लाई कर रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम मैक कॉस्मेटिक्स, नेचुरल रेडियंस प्राइमर है ये।
अगर आपको लगता है क्लाइंट की स्किन बहुत ड्राई है तो आप ऐसे का प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऑल स्किन टाइप प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से इसको फिंगर के साथ हमने अप्लाई कर दिया है एंड डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा नहीं है इसलिए हमने थोड़ा कंसीलर लिया जो कि उनकी स्किन टोन से लिटिल बिट डार्क है, तो उसी के साथ ही हम फेस को कंसील कर देंगे। आप देख सकते हैं जो जो डार्कर एरियाज थे वहाँ पे हमने थोड़ा डार्कर कंसीलर यूज़ किया है एंड ये टार्ट कॉस्मेटिक्स का डार्क कंसीलर था एंड शेड था टैन सैंड, और उसको हम ब्लेंडिंग ब्रश के साथ थोड़ा सा मर्ज कर रहे हैं। आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं बट अभी हम ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर रहे हैं, आप डायरेक्टली ब्लेंडर के साथ भी कर सकते थे। सो आप देख सकते हैं कंसीलिंग कितने अच्छे से हो गई है। अगर आपको लगे कि बेस थोड़ा ग्रे हो रहा है तो आप ऑलवेज उसमें थोड़ा ऑरेंज ऐड कर सकते हैं, बट राइट नाउ भी मैंने ऑरेंज नहीं ऐड किया है, हम इसको एज इट इज़ ही ब्लेंड कर रहे हैं। देन उसके बाद हम एल ए गर्ल का थोड़ा सा कंसीलर हमने अप्लाई किया है एंड हमने फाउंडेशंस ले लिए हैं। फाउंडेशन हमने 3-4 कलर्स देखे थे कि कौन सा अच्छे से अप्लाई हो रहा है स्किन पे, तो जो स्किन से अच्छे से मैच हो रहा था वो हम अप्लाई कर रहे हैं ऑल ओवर फेस। तो वो हम फाउंडेशन ब्रश के साथ अप्लाई कर रहे हैं। जो ब्रश हम यूज़ कर रहे हैं दिस इज़ फ्रॉम रियल टेक्निक, कोई भी ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं, आप मैक ले सकते हैं, आप सिग्मा ले सकते हैं, मॉर्फी ले सकते हैं, बट राइट नाउ वी आर यूजिंग रियल टेक्निक ब्रश। और जो एल ए गर्ल था वो हमने थोड़ा सा आई थिंक नॉलेज के लिए बच्चों को बताया था, बट राइट नाउ वो वीडियो में हमने यूज़ नहीं किया है, हमने डायरेक्टली टार्ट के साथ कंसील करने के बाद हमने फाउंडेशन यूज़ किया है। देन हम अगेन थोड़ा हाइलाइटिंग वाला कंसीलर कर रहे हैं एंड थोड़ा सा लाइटर शेड यूज़ कर रहे हैं एंड इसका शेड नेम है लाइट मीडियम। ऑल द हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे हमने कंसीलर अप्लाई किया है, देन हम उसको थोड़ा सा डैब कर रहे हैं। आप इसको डायरेक्टली ब्रश के साथ भी ब्लेंड कर सकते हैं, ब्लेंडर के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपको कवरेज अच्छी चाहिए तो आप ब्रश के साथ ब्लेंड कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं सो दैट बेस जो है वो एकदम इवन आए। तो आप देख सकते हैं बेस कितना अच्छा लग रहा है, स्किन कितनी फ्लॉलेस लग रही है। देन हम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर रहे हैं। हमने ओरिजिनल ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया है, ये एक ब्रांड है जो कि बहुत अच्छा ब्लेंडर होता है एंड आईज़ पे हम प्रॉपरली ब्लेंडर का कॉर्नर यूज़ कर रहे हैं। देन आफ्टर दैट हमने ब्रश के साथ पाउडर पिक किया है एंड अंडर आईज़ अप्लाई कर रहे हैं सो दैट हर एक एरिया में अच्छे से पाउडर अप्लाई हो जाए। हम डायरेक्टली पफी के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं पाउडर। ओके, तो हमने ऑल ओवर फेस अच्छे से अप्लाई कर दिया है। इनका फेस बहुत ज़्यादा स्लिम है, बहुत बिल्कुल भी थिक नहीं है, तो कंटूर बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे एंड हम काजल फिल कर रहे हैं एंड जो पेंसिल हम यूज़ कर रहे हैं ये रिकोड ब्रांड की है और उसी के साथ ही हम थोड़ा स्मजिंग कर रहे हैं। हमने थोड़ा नीचे अप्लाई किया देन पेंसिल ब्रश के साथ हम स्मज कर रहे हैं। किसी भी ब्रांड का पेंसिल ब्रश आप यूज़ कर सकते हो गाइज। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो डू रिक्रिएट दिस वीडियो दिस मेकअप। तो जस्ट ब्लेंडिंग कर रहे हैं अच्छे से, नीचे से पेंसिल ब्रश के साथ हम ब्लेंड कर रहे हैं। ऐसे ही आपको ब्लेंड करना है, क्लाइंट को अपने ऊपर देखने के लिए बोलना है देन उसको ब्लेंड करना है एंड थोड़ा सा हमने मैजेंटा सा कलर उठाया है उसी के साथ ही हम ब्लेंड कर रहे हैं सो दैट थोड़ा सा कलर रिफ्लेक्ट हो। आप अगर ब्लैक नहीं करना चाहते तो आप इसके अलावा कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। और कलर को हमने दोबारा इंटेंस कर दिया है। एंड जो भी फॉल ऑफ है उसको हमने डस्टिंग ब्रश के साथ डस्ट ऑफ कर दिया है। आप देख सकते हैं कवरेज कितनी अच्छी हो गई है। देन हम टू फेस्ड का ब्लशर यूज़ कर रहे हैं। ये टू फेस का बहुत सुंदर सा शिमरी सा ब्लशर है, आपको एक्स्ट्रा हाइलाइटर लगाने की नीड समटाइम नहीं पड़ती अगर आप इसको अच्छी क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, बट राइट नाउ हमने इसको बहुत मिनिमल क्वांटिटी में यूज़ किया है एंड हम हाइलाइटर यूज़ कर रहे हैं। ये वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर है
एंड इसका शेड है प्रेशियस पेटल्स। बहुत ही सुंदर हाइलाइटर है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं ऑन एवरी स्किन टोन। जस्ट आप लिटल डस्की या डस्की से डार्क वाले स्किन टोन्स पे इसको अवॉइड कर सकते हैं। देन हम मस्कारा फिल कर रहे हैं। मस्कारा फिल करने के बाद हम इन पर लैशेस लगा देंगे एंड थोड़ा सा हम कॉर्नर्स में ग्लिटर अप्लाई कर रहे हैं। ये जो ग्लिटर है बेसिकली ये शिमर है मेकअप फॉरएवर का, डायमंड डस्ट इसको बोलते हैं। आप कोई भी ब्रांड का डायमंड डस्ट उठा के लगा सकते हैं। एंड ब्लशर हम दोबारा दे रहे हैं, ये नार्स का ऑर्गेजम है। ऐसा नहीं है कि आपको दो दो ब्रांड यूज़ करने हैं, आप कोई भी एक ब्रांड भी यूज़ कर सकते हैं। एंड हाइलाइटर की हम कोटिंग दोबारा कर रहे हैं। एंड हाइलाइटर जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो मैक का सॉफ्ट एंड जेंटल है। ये बहुत ही सुंदर हाइलाइटर लगता है गाइस मुझे, बिकॉज ये बहुत ही सॉफ्ट एंड जेंटल रैली में लगता है। एंड देन लिप्स को हम फिल कर रहे हैं। हमने एक डार्क ब्राउन पेंसिल उठाई हुई है। ये जो डार्क ब्राउन पेंसिल है ये पेंसिल है कलर बार की। आप लिप्स को पहले आउटलाइन कर सकते हैं, देन हम किसी भी लाइट कलर के साथ उसको फिल कर सकते हैं। डार्क कलर के साथ आउटलाइनिंग करने का जो पर्पस है वो ये है कि लिप्स थोड़े से पाउटी लगें, थोड़े शेप में लगें, तो दैट्स वाई वी यूज़ अ डार्क लिप पेंसिल। अदरवाइज़ अगर आपको है कि मुझे डार्कर नहीं यूज़ करना है, मैं लाइटर से कंफर्टेबल हूँ, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई भी रूल नहीं है ऐसा। देन लैशेज़ हम थोड़े से अच्छे से अप्लाई कर रहे हैं आईज़ पे। आप देख सकते हैं कितना सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है हमारे क्लाइंट का। सो लैशेज़ आर ऑल्सो डन एंड रिकोड के लाइनर के साथ वी आर अप्लाइंग, वी आर थोड़ा सा रीडू द लाइनर। एंड हमने मीनाक्षी दत्त का एक प्रोडक्ट कैरी किया है जो कि ब्रो फिलर है, तो ब्रोज़ थोड़ा सा हम रीडू कर रहे हैं सो दैट ब्रोज़ अच्छे से हाईलाइट हों। तो आप देख सकते हैं ब्रोज़ एक बहुत अच्छे से डार्कर लग रही है और एक थोड़ी लाइटर लग रही थी, उसको भी हमने डार्क कर दिया। सो लास्टली वी आर डूइंग लिटिल बिट कॉन्टोर एंड दिस इज़ अ ब्रॉन्जर फ्रॉम एनेस्थेसिया। एंड हम थोड़ा सा फ्लैट टॉप ब्रश जो कि मेकअप बाय एनालिया का ब्रश है उसके साथ एनेस्थेसिया के साथ हम कॉन्टोर कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्रॉन्जिंग इफेक्ट दे रहे हैं नोज़ पे सो दैट नोज़ बहुत ज़्यादा ब्रॉड ना लगे। सो आवर मेकअप इज़ डन, वी अप्लाइड द फिक्सर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई रियली होप दैट यू लाइक्ड एंड लव दिस वीडियो। ऐसा का मेकअप अगर आप ज़रूर करेंगे तो डेफिनेटली मुझे टैग करें, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेकअप लगने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।